आज हम टेल अवीव में हैं। यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त कार्यक्रम हुआ जिसमें बहुत कम समय में 4,500 लोगों ने हिस्सा लिया। इज़राइल एक ऐसा देश है जो रेगिस्तान को उपजाऊ खेती की जमीन में बदलने में व्यस्त रहा है। दुर्भाग्य से जब बाकी की दुनिया उपजाऊ मिट्टी को रेत में बदल रही है। इज़राइल के इसे मैनेज करने के कई कारण हैं। हमें समझने की जरूरत है, ये वो देश है जिसकी 50% से ज्यादा भूमि रेगिस्तान है। केवल 17.5% भूमि प्राकृतिक रूप से कृषि के योग्य है। But this is a nation which has invested 4.3% of its GDP on research and development. Cooperation between agricultural industry, farmers. लेकिन ये वो देश है जिसने अपनी GDP का 4.3% रिसर्च और डेवलपमेंट पर निवेश किया है। कृषि उद्योग, किसानों, तकनीकी रिसर्च और सरकार के बीच सहयोग ने एक ऐसी अद्भुत घटना को जन्म दिया है जहां उन्होंने कृषि के कई पहलुओं को एक बहुत ही उच्च स्तर के काम में विकसित कर लिया है और दुनिया का मार्गदर्शन किया है। साथ ही अपने खुद के विकास के लिए इज़राइल ने बहुत अधिक राजस्व अर्जित किया है। इजरायली लोगों की खाद्य जरूरतों का 95% उत्पादन इसी जमीन में होता है जो अपनी प्राकृतिक प्रकृति से कठोर है, लेकिन इन जुझारू लोगों द्वारा इसे बहुत उपजाऊ कृषि उपज में बदल दिया गया है। तकनीक के मामले में इजरायल के पास शायद सबसे ज्यादा कृषि सफलताएं हैं। सटीक कृषि इजरायल की संस्कृति का एक हिस्सा है। कुशल खेती के लिए तकनीकी विकास इज़राइल की कृषि सिस्टम की पहचान है और ये तकनीक अब दुनिया के बाकी हिस्सों तक भी पहुंच रही है। फसल की रक्षा के मामले में, उपज की रक्षा के मामले में और साथ ही सबसे ऊपर आज सबसे प्रसिद्ध और सिंचाई में पानी बचाने की बहुत अधिक उपयोग की जाने वाली प्रणाली जिसे आज हम ड्रिप सिंचाई कहते हैं, ये इज़राइल से उत्पन्न हुई है और आज ये पूरी दुनिया में है। कृषि उत्पादन में 16 गुना वृद्धि हुई है, अपनी जनसंख्या से 3 गुना अधिक। ये एक उदाहरण है जिसका दुनिया को अनुसरण करने की जरूरत है और सबसे जरूरी पहलू जो हमें इज़राइल से अनुसरण करने की जरूरत है वो ये कि जहां लोग हैं वहां भोजन होना चाहिए, कहीं और नहीं। ये उन देशों की तलाश के बारे में नहीं है जहां भूमि के विशाल ट्रैक और कम आबादी है और वही विनाशकारी कृषि प्रक्रिया करते रहना और जब वो भूमि जर्जर हो जाए तो हम दूसरी भूमि पर चले जाएं। दुनिया की आबादी के लिए भोजन पैदा करने का ये तरीका चला जाना चाहिए। जहां लोग हैं वहां भोजन उगना चाहिए। इज़राइल ने एक अभूतपूर्व उदाहरण स्थापित किया है, विशेष रूप से ये देखते हुए कि उसके पास प्राकृतिक रूप से कृषि योग्य भूमि का केवल 17.5% है। किसी भी तरह से ये एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। इज़राइल की कृषि तकनीकों की सरलता कुछ ऐसी है जो निश्चित रूप से दुनिया को एक बड़े पैमाने पर लाभ देगी। ये देखकर खुशी होती है कि जब लोगों के पास जरूरी संकल्प होता है तो हम चीजों को बदल सकते हैं और निश्चित रूप से दुनिया में मिट्टी के नष्ट होने के मामले में जहां हम अभी हैं इसे पलटा जा सकता है अगर हमारे पास जरूरी संकल्प और फोकस हो। मिट्टी बचाओ, आइए इसे संभव बनाएं।